हेलो, कैसे हैं जी आप? गुड मॉर्निंग। आज दिन है मंडे, आज जाना है स्कूल और टाइम हो रहा है, बज रहे हैं पूरे पूरे 8 बज रहे हैं सुबह के। रोज़ का रूटीन है मेरा, इस टाइम तक मेरा काम निपट, अपना मतलब मेरा डेली रूटीन का नहाना धोना पूजा पाठ ये सब निपट जाती है। और आज ठंड हो रही है, कल हवा बहुत तेज चल रही थी, इतनी तेज़ हवा थी, बहुत तेज़, आज फिर ठंड सी हो रही है। हमारी मम्मी कहती थी कि ठंड हो चाहे गर्मी, जाते जाते नखरे दिखाते हैं। ऐसा है, मैं बात करूंगी सायरा जी और आमना के रिश्ते पर, आमना जी के रिश्ते पर। देखिए, पब्लिक को या किसी और को इस पे परेशानी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो उनकी फैमिली का मैटर है। अयूब जी ने मिलाया है उनसे, पहले वो नहीं मिली थी, फ़ोन पे बात होती थी, लेकिन अब वो उससे मिल गई हैं। उस फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अयूब जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी और को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और देखिए, वैसे तो ये रिश्ता सौतन का होता है, लेकिन ये रिश्ता बहन बहन का भी होता है। अब आप कहोगे कि बहन ऐसा कैसे कर सकती है? देखिए, कोई भी रिश्ता है अगर वो प्यार से निभ जाता है तो बहुत अच्छा होता है। और समझदारी औरत की इसी में ही होती है, अगर वो हस्बैंड का प्यार चाहती है तो इसी में ही होती है कि वो सब कुछ पसंद करे जो हस्बैंड चाहता है। सब कुछ यानी कि गलत नहीं, अगर हस्बैंड किसी को आपके प्यार में से किसी को प्यार दे रहा है तो एक्सेप्ट कर लो, तो हस्बैंड की नज़र में यहाँ हो जाओगे, उनके बच्चों को भी अपना ही बच्चों समझो। और हस्बैंड की ये बात है कि औरत के भी बच्चे अगर किसी पहले हस्बैंड से हैं तो वो भी अपना ही बच्चा समझे। ये रिश्ता है आमना जी का और सायरा जी का, बहुत अच्छा रिश्ता है। रिश्ते पे आते हैं सितारा यासीन, पाकिस्तानी यूट्यूबर, और कौसर के रिश्ते पर। लोगों ने कितनी उंगलियाँ उठाई, लोगों ने कितना अलग करने की कोशिश करी, लोगों ने कितनी बातें बनाई कौसर के ऊपर, सितारा के ऊपर। जो सितारा के चाहने वाले थे उन्हें तकलीफ हुई थोड़ा, उन्होंने शादी की तो कौसर से, उनके हस्बैंड ने सितारा की, तकलीफ हुई। हाँ हाँ होती है, ऐसा लगता है कि हमारा प्यार चला गया, औरत चाहती है मैं अकेली रहूँ, ये सच्चाई है, ये एक सच्चाई है। औरत चाहती है मैं अकेली ही रहूँ, मेरा हस्बैंड केवल मेरे बच्चों को और मुझे ही प्यार करे, दूसरी औरत के बारे में वो सोचती भी नहीं। लेकिन जब ले आता है हस्बैंड तो एक्सेप्ट करनी पड़ती है। ये मैं कहती हूँ बहुत गलत है, कुछ धर्म, इस धर्म में ये बहुत गलत है कि बिना औरत की मर्जी का। वैसे तो आपके यहाँ भी कहते हैं कि औरत साइन करती है, औरत इजाज़त देती है जब वो दूसरी शादी करता है। सितारा यासीन ने तो इजाज़त दी और कितनी परेशान रही, एक्सेप्ट कर लिया उसने। कौसर का बच्चा मरा तो सबने कहा कि सितारा ने मार दिया जिसकी ज़िंदगी होती है ना, उसे कोई मार नहीं सकता। उसका भी एक रिश्ता देखो बहनों बहनों जैसा है, उनके हस्बैंड अगर सितारा के लिए कुछ लाते हैं तो कौसर के लिए भी कुछ लाते हैं, कौसर के लिए लाते हैं तो सितारा के लिए भी लाते हैं। और सितारा भी बराबर अगर कोई चीज़ खरीद के देनी होती है तो कौसर को देती है और कौसर उसे एक्सेप्ट करती है। तो ये रिश्ता है सितारा यासीन और कौसर का, कितना अच्छा रिश्ता है, बहनों बहनों की तरह रहती है। आते हैं आमना जी और अयूब और सायरा जी की, सास से सितारा और सास से सायरा, सायरा जी की फैमिली का रिश्ता। देखिए, अगर उनके बच्चे उन्हें प्यार करते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें अपनाते हैं सायरा जी को, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, सायरा जी के पास दो लड़के हैं, बेटी नहीं है। बेटी होती है ना, माँ हर दिल की बात अपनी बेटी से कह देती है। अभी सायरा जी को पता नहीं है इस
दौर से वो गुजरी नहीं है, अभी गुजरने दो। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चे उनके अलग हो जाएंगे या बच्चे उन्हें समझेंगे नहीं या बच्चे उन्हें प्यार नहीं करेंगे, बहू उनकी प्यार नहीं करेंगी, मैं ये नहीं कह रही। बहुत फ़र्क होता है बहू और बेटी, कह देते हैं बेटी बना लो, फ़र्क होता है। ये बहुत बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनकी बहू भी बेटियों की तरह रहती हैं और जो बेटियों की तरह परिवार में होता है, बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग। लेकिन एक बेटी का होना भी बहुत ज़रूरी होता है घर में। कहते हैं ना, जिस घर में बेटी नहीं होती ना, उस घर की रौनक ही ख़त्म हो जाती है, रौनक ही नहीं होती उस घर में, एक अजीब सा सन्नाटा होता है। हमारे यहाँ तो ऐसा कहते हैं कि उसकी देहली कुआरी रह जाती है, देहली यानी कि चौखट कुआरी रह जाती है इस जिस घर में बेटी नहीं होती। क्योंकि देहली की पूजा जब लड़की विदा होती है, चौखट की पूजा जब लड़की विदा होती है, वही करती है। मेरे बच्चे मेरा कहते कहते पूरी ज़िंदगी गुजार देती है एक औरत, क्योंकि उसे बचपन से ही परवरिश मिलती है, वो तेरा घर है ना। मेरे बच्चे मेरा हस्बैंड कहती है, और हस्बैंड दो मिनट में दूसरी ले आता है। कितनी भोली होती है ना औरत, कितनी मासूम होती है ना। हाँ, दो मिनट में दूसरी ले आता है, दो मिनट में छोड़ कर चला जाता है, दो मिनट में कह देता है संभाल अपना घर, जैसे लव प्रिया रोहन चैनल है ना, लव प्रिया रोहन, प्रिया लव रोहन का चैनल है, कल बताऊंगी मैं। फिर भी पता है जब उसका हस्बैंड उसे छोड़ देता है ना, कितनी वो होती है मासूम, वो तो वो उस बच्चे को लेके, ये मेरा बच्चा है, इतनी हिम्मत नहीं कर पाती वो कि वो उसे उसके ऊपर छोड़ के और कह दे पाल अपना बच्चा। कहीं ऐसा कर देना तो हस्बैंड औरत को छोड़ते हुए डरेगा कि अरे मैं बच्चा कैसे पालूंगा, क्योंकि उसके बस की नहीं है, रातों को औरत ही जागती है, बच्चा औरत ही पाल सकती है। बच्चा जब रोता है माँ को पता चल जाता है ये क्यों रो रहा है, गीला होता है उसे पता चल जाता है ये गीला हो गया, इसे सूखे में लिटाना है। आदमी उसे औरत को छोड़ता है लेकिन वो नहीं छोड़ पाती, वो फिर भी बच्चे को लेकर चली जाती है, मेरा बच्चा मैं इसे पाल लूंगी। अगर कहीं औरतें कह देना कि पाल अपना बच्चा, अभी 100 में से एक या दो ही हुई है, तो आदमी घबराएगा औरत को छोड़ते हुए। आज के लिए इतना ही। आज एक रिश्ते पे वीडियो बनाई है मैंने, मैं कल बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगी, देखना आप, लंबी हो जाती वीडियो इसलिए नहीं बनाई, बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगी। दिल में उछल रहे हैं सवाल, मेरी बात पसंद आए, चैनल पर नए हैं तो यारो सब्सक्राइब और मुझे कमेंट। ओके, बाय।